आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने हौसले और जज्बे की वजह से शिक्षा जगत में बेमिसाल बन गए। प्रयागराज में दिव्यांग और सामान्य बच्चों को शिक्षित करने वाले शिक्षक नारायण लोगों के लिए समाज में एक मिसाल बन चुके हैं। नारायण जो कि खुद दोनों हाथ ना होने से विकलांग हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया और अपनी इस कमजोरी को उन्होंने अपनी ताकत बना लिया और आज वो पढ़ लिख कर दिव्यांगों के विद्यालय में शिक्षक हैं। दोनों हाथ ना होने पर भी वो बच्चों को बोर्ड पर लिख कर पढ़ा रहे हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं जो एक शारीरिक तौर पर सक्षम इंसान कर सकता है। नारायण दिन में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि हर रोज शाम 4 बजे से कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी निशुल्क प्रतियोगी छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। प्रदेश में आज शिक्षक दिवस की धूम है। ऐसे में संगम शहर प्रयागराज में एक ऐसे शिक्षक भी हैं जो दिव्यांग हैं और पिछले कई सालों से वो पढ़ा भी रहे हैं। दिव्यांगों को तो पढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ कोचिंग संस्थानों में भी जा करके वो छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। हम मौजूद हैं सागर अकेडमी में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्री नारायण जी हैं जो अब एक मिसाल बने हुए हैं। उनके दोनों हाथ नहीं हैं, हमारा एक हादसे में इनके दोनों हाथ चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छात्रों को ये पढ़ा रहे हैं और फटाके से ये ब्लैक बोर्ड पर लिखते भी हैं और सुबह ये जाते हैं दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए और जब वो शाम होती है तब ये यहाँ पर कोचिंग संस्थान में आकर के पढ़ाते हैं। इनका कहना यह है कि जब ये 6th क्लास में थे तभी इनके जो दोनों हाथ हैं वो करंट की चपेट में आ गए थे, जिसकी वजह से उनको काटना पड़ा था और सभी लोग इनसे दूरियां बना लिए थे। परिवार के लोग भी इनसे कुछ दूरियां बना लिए थे, लेकिन इन्होंने अपनी कमजोरी को ही मजबूती बनाई और इन्होंने एक संकल्प लिया कि हम आगे कुछ बनकर के दिखाएंगे। उसके बाद इन्होंने एक शिक्षक ये बने और अब कई छात्रों को ये पढ़ा भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम सागर अकेडमी में हैं और आप बोर्ड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गांधी अकेडमी संस्थान लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पर कई छात्र यहाँ ऐसे भी हैं जिनको निःशुल्क यहाँ पर पढ़ाया जाता है, जो बेहद गरीब होते हैं उनको भी यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रयागराज के श्री नारायण एक मिसाल बने हुए हैं और इनके जज्बे को सभी लोग सलाम कर रहे हैं। वर्ल्ड जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर वजह लाइव टुडे प्रयागराज। श्री नारायण यादव जी हमसे तब से जुड़े हैं जब वह विद्यार्थी जीवन में थे, हमारे पास आए थे और गांधी अकादमिक संस्थान में सागर अकादमी में उनकी भूमिका जो है इतनी महत्वपूर्ण है और मेरे व्यक्तिगत जीवन में कि एक लाइन में अगर कहना चाहूँ कि दोनों हाथ स्नेहन जी के नहीं हैं, इसके बावजूद मैं उन्हें अपना दाहिना हाथ मानता हूँ और बड़े गर्व के साथ कहता हूँ। गांधी अकादमिक संस्थान में हम लोग ISPCS सहित तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग देते हैं गरीब छात्रों के लिए। अभी कुछ महीने से हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं इस संस्था में। यहाँ श्री नारायण सर अपना 100% हम लोगों को देते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ईश्वर ने इन्हें कहीं से अगर दिव्यांगता दिया है तो ये हम लोगों को अपना 100% उसकी कमी नहीं दिखाने देते, 100% अपना हम लोगों को देते हैं और हम लोग सेटिस्फाई हैं इनके क्लास से। दुर्भाग्य से जब मैं क्लास 6 में पढ़ रहा था उसी समय जो है बिजली करंट लगने के कारण मेरा जो है हाथ कटवाना पड़ा। उसके बाद जो है मैं 6th क्लास के बाद ही जो है मेहनत करके फिर से हाथ कटने के बाद भी पूरी अपनी पढ़ाई जो है जारी रखा और मेरा सौभाग्य कहिए कि जब इलाहाबाद में मैं पढ़ने के लिए आया उसी समय 98 में ही जो है शुक्ला सर से मुलाकात हुई, उसी समय ये गांधी अकेडमी संस्थान स्टार्ट हुआ था जहाँ आज मैं शिक्षण दे रहा हूँ आप देखे हैं। और उसी समय से शुक्ला सर और तमाम इस शहर के अच्छे लोग मिले जिसके कारण जो है मैं जो है पूरी अपनी शिक्षा बहुत अच्छे से ग्रहण किया और आज जो है सभी डिग्रियां लेने के बाद मैं प्रतापगढ़ में प्रयास राजकीय अक्षम विद्यालय जो विकलांगों का विद्यालय है, हाथ पैर के विकलांगों का, उसमें जो है GIC विद्यालय है उसमें मैं अध्यापक हूँ। और वहाँ पढ़ाने के बाद जब भी मुझे जो है समय मिलता है शाम को जो है यहाँ से 5:30 बजे के बाद मैं जब पहुँचता हूँ तो गांधी अकेडमी संस्थान की जो भी क्लासेस होती हैं
सर जो है मुझसे जो है मतलब जबरदस्ती लगवा कर क्लासेस लेवाते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब इनसे जो अन्य मतलब विकलांग हैं उन लोग को मतलब वो मिलता है। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग को दोनों हाथ दिए हैं, भगवान ने दोनों हाथ दिया है, हम लोग और अच्छा करें। सर सर का हाथ नहीं है पर मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में, हम लोग के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और मतलब इनसे हम बहुत प्रेरित हैं। मतलब सर पढ़ाते हैं, हम लोग बहुत खुश रहते हैं और हम लोग को हरदम आगे बढ़ाने का मतलब वो देते हैं, सलाह देते हैं। क्या नाम है आपका? ममता मौर्या।